नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें 201 का क्वेश्चंस कह रहा है कि कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द फार्म ऑफ, तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ए कह रहा है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिब्डेनम, तो 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ए कह रहा है कि द थ्योरी विच सजेस्ट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिनरल एब्जॉर्प्शन इज, 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। ये कह रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेंट्स, तो 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है विच इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। ये कह रहा है विच इज नॉट एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 208 का राइट आंसर हो जाएगा, निकेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। 209 कह रहा है क्लोरोसिस ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। 212 कह रहा है कि ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड विच वन इज सल्फर कंटेनिंग, तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथियोनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो 213 का राइट आंसर कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंजाइम बट इट एक्टिवेट्स द एंजाइम, तो 214 का राइट आंसर पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो 215 का राइट आंसर मैग्नीशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ, तो 216 का राइट आंसर सोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217। 217 कह रहा है कि द प्लांट एस इज एन इंडिकेशन ऑफ, तो 217 का राइट आंसर मिनरल साल्ट एब्जॉर्ब बाई द साल्ट इज राइट, प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड, तो 218 का राइट आंसर कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219। ये कह रहा है द माइक्रो न्यूट्रिएंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो 219 का राइट आंसर 219 का राइट आंसर जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220। कह रहा है कि द फोर एलिमेंट दैट मेक अप 99% ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ए लिविंग सिस्टम्स आर, 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HOCN इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 221। 221 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेस एलिमेंट, तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222। ये कह रहा है कि एन इंपॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट इज नेसेसरी इन प्लांट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223। ये कह रहा है कि स्टोमेटा ऑफ कैम प्लांट, तो इसमें 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज इन डे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224। ये कह रहा है क्लोरोसिस अकर्स इन प्लांट ग्रोन इन, तो 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन फ्री मीडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225। ये कह रहा है कि हाइड्रो
पोनिक्स इज ए मेथड, आप तो 2 to 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ प्लांट इन लिक्विड कल्चर मीडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 6 से, कह रहा है एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन फ्रॉम प्लांट टिश्यू रिजल्ट इन, तो 2 to 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 7, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉन सल्फर कंटेनिंग, तो 2 to 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 8, ये कह रहा है इन एस एनालिसिस एक्सपेरिमेंट द प्लांट मटेरियल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रिजल्टिंग रेसिड्यू इज हैविंग कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड ऑफ, तो 2 to 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 एलिमेंट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 9, ये कह रहा है कि एक्सेसिव सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट रिजल्ट इन, तो 2 to 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ राइट डार्क ग्रीन लिप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 30, ये कह रहा है द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन इज, तो 2 to 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फास्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 31, ये कह रहा है कि द मिनरल नेसेसरी फॉर एनिमल्स बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाय मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर, यानी कि 2 to 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एंड आयोडीन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 32, ये कह रहा है हंगर साइन इन प्लांट्स आर, यानी कि 2 to 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 32 का राइट आंसर हो जाएगा डिफिशियंसी सिम्पटम ऑफ पार्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 33, ये कह रहा है टर्गर ऑपरेटेड वाल्व इन प्लांट्स आर, यानी कि 2 to 33 का राइट आंसर स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 34, ये कह रहा है कि एब्सिबिक एसिड जिसको हम लोग ए बी ए कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, बिकॉज 2 to 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 35, ये कह रहा है कि which one इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, तो 2 to 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 36, ये कह रहा है स्मॉल मेसोफिटिक ट्विग विद ग्रीन लीव्स इन डिप्ड इन वाटर इन ए बीकर अंडर सनलाइट इट डिमॉन्स्ट्रेट, तो 2 to 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 37, ये कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट्स लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स टर्न येलो ड्यू टू, तो 2 to 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 38, ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग सीजन ए कॉर्न, यानी कि मेज प्लांट्स कैन ट्रांसपायर वाटर एंड 2 to 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 gallons इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 39, कह रहा है ब्राउन हर्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, 2 to 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 40, ये कह रहा है द फाइटो हार्मोन्स विच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज, तो 2 to 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 41, ये कह रहा है द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इज, तो 2 to 41 का राइट आंसर जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2 to 42, ये कह रहा है कि 2 to 42 कह रहा है कि द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय, तो 2 to 42 का राइट आंसर नॉप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 43, ये कह रहा है द लॉस ऑफ वाटर थ्रू क्यूटिकल में रीच अप टू, तो 2 to 43 का राइट आंसर 20% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 44, ये कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसोसिएटेड विद प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटीनेसियस मटेरियल ऑफ प्लांट इज, 2 to 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2 to 45, ये कह रहा है द एसेंशियल न्यूट्रिएंट
एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाई प्लांट इन द लिस्ट क्वांटिटी इज, तो 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 246, ये कह रहा है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन, तो 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 247, ये कह रहा है कि एंजाइम कैटालिस्ट कैटालाइट रिएक्शन कैन बी इनहिबिटेड बाय, तो 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉपर आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248, ए कह रहा है परमिएबिलिटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज एसिलेटेड बाय, तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन, 249 का राइट आंसर ह्यूमिडिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 250, कह रहा है इन फ्रूट ट्रीज ए डिजीज एक्जेंथिमा इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, तो 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 251, ये कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन इंटू प्लांट रूट सेल एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड, तो 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैसिव एब्जॉर्प्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 252, ये कह रहा है ए ट्विग केप्ट इन वाटर रिमेन्स फ्रेश फॉर ए लॉन्गर टाइम इफ सम साल्ट इज एडेड टू इट, इट इज ड्यू टू, यानी 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 253, ये कह रहा है इन नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड इनवायरिएबिलिटी कंटेंट, तो 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 254, ये कह रहा है कि बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस, तो 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 255, ये कह रहा है विच एलिमेंट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टारगर इन प्लांट्स, 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 256, ये कह रहा है कि द ब्राउन कलर ऑफ लीव ऑफ कैबेज इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो 256 का राइट आंसर बोरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257, ये कह रहा है फॉल ऑफ इमेच्योर लीफ इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, तो 257 का राइट आंसर फॉस्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 258, ये कह रहा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिप्स ऑफ लिप्स इज कॉल्ड है, तो 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259, ये कह रहा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग इज, तो 259 का राइट आंसर पोटेशियम आयन एक्सचेंज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 260, ये कह रहा है विच इज नॉट माइक्रो एलिमेंट, यानी कि 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 261, ये कह रहा है ट्रेस एलिमेंट्स आर, तो 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन एंड रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262, ये कह रहा है स्टोमेटा कैन आल्सो ओपन एट नाइट इन, यानी कि 262 का राइट आंसर 05 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263, कल्टीवेशन बाई सैंड कल्चर इज आल्सो कॉल्ड, तो 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉयल लेस कल्टीवेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 264, ये कह रहा है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265, ये कह रहा है कि जिंक इज यूज्ड अप बाई प्लांट्स इन द फार्म ऑफ, तो 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266, ये कह रहा है मैग्नीशियम इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, तो 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड अप फॉस्फोरिलेशन, तो 267 का राइट आंसर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कि इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से क्या करना है, मैच करना है, तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर 269 का राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर
270 कह रहा है कि विल्टिंग प्लांट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन, तो 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271, ये क्या है, ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन, तो 271 का राइट आंसर लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, तो 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273 कह रहा है कि मैक्सिमम ट्रांसपीरेशन अकर्स फ्रॉम, यानी कि 273 का राइट आंसर डर्मल टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव्स द लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275 ये कह रहा है गटेशन इज द डायरेक्ट एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ, तो 275 का राइट आंसर रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 276 ये कह रहा है दोज फर्टिलाइजर्स विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ETC रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर कॉल्ड, तो 276 का राइट आंसर कंप्लीट फर्टिलाइजर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 277 ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज हाई, तो 277 का राइट आंसर C3 प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278 का है टर्जिडिटी इज गार्ड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय, तो 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड माइलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279 कह रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर बाय लास्ट बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ पेपर इज, तो 279 का राइट आंसर 90% इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 280 ये कह रहा है वाटर लास्ट बाय ट्रांसपीरेशन इज, तो 280 का राइट आंसर प्योर वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 281 ये कह रहा है कॉमन फीचर शेयर्ड बाई गार्ड सेल एंड मेसोफिल सेल्स, तो 281 का राइट आंसर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 282 ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन रिड्यूस ट्रांसपीरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग स्टोमेटल क्लोजर, तो 282 का राइट आंसर एफसीबिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 283 ये कह रहा है कि द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट अपॉन, तो 283 का राइट आंसर लाइट टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 284 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, 284 का राइट आंसर मॉलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 285 पे कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, तो 285 का राइट आंसर चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ गॉड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 286 ये कह रहा है नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ, तो 286 का राइट आंसर प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 287 ये कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सेल रिक्वायर्स, तो 287 का राइट आंसर ATP इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 288 ये कह रहा है ट्रेसर एलिमेंट्स आर, तो 288 का राइट आंसर रेडियो आइसोटोप्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 289 कह रहा है द माइक्रो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंडोलेसिटिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड इन इट्स आयनिक फॉर्म्स एज ए कोफैक्टर इन द एंजाइम, तो 289 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 289 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 290 ये कह रहा है कि मोस्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, तो 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 291 ये कह रहा है ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज रेट आप, तो 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 292 ये कह रहा है द सेट ऑफ थ्री एलिमेंट्स इंक्लूड फुली इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज, यानी कि 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन जिंक कॉपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 293 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी में काज लीफ टिप बेंडिंग, यानी 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 294 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल्ड प्रोसेस, 294 का राइट आंसर गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 295 ये कह रहा है ग्रे स्पॉट ऑफ ओट
आर्काइव्ड बाई द डिफिशियंसी आर। तो 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैगनीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 296, ये कह रहा है बोरान इन ग्रीन प्लांट असिस्ट इन। तो 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर ट्रांसपोर्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 297, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कीप्स इट्स स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 298, ये कह रहा है एक द इंटरनल फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन इज। तो 298 का राइट आंसर संकेन स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 299, ये कह रहा है प्रोसेस ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम स्पेसिफिक होल्स इन मार्जिन इज। 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 300, ये कह रहा है गार्ड सेल्स कंट्रोल्स। तो 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 301, ये कह रहा है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज। तो 301 का राइट आंसर कार्बन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 302, ये कह रहा है द अपीयरेंस ऑफ येलो एज ऑफ लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ दिस मिनरल एलिमेंट्स इज राइट आंसर इज एलिमेंट्स। यानी कि 302 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 303, ये कह रहा है द शुगर केन प्लांट्स हैज। यानी कि 303 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डम्बेल शेप्ड गॉड सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 304 कह रहा है कि द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो 304 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन रेज इन पीएच ऑफ गॉड सेल कॉज हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। यानी कि और साइटो सेकेंड है कि साइटोकाइनिन एंड साइक्लिक एएमपी आर रिक्वायर्ड एफसीबिक एसिड प्रमोट्स क्लोजर ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 305 देखते हैं, स्टोमेटा आर आल्सो कॉल्ड है। तो 305 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 306, ये कह रहा है विच इज ट्रू। तो 306 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफसीबिक एसिड क्लोज एंड साइटोकाइनिन ओपन द स्टोमेटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 307, ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नोन ट्रांसपिरेशन। तो 307 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वेटिक सबमर्ज प्लांट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 308, ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज मेनली ए प्रोसेस ऑफ। तो 308 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 309, ये कह रहा है विच इज इसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ। यानी 309 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 310, ये कह रहा है विच कैन फंक्शन एज कैरियर इन एक्टिव आयन अब्सॉर्प्शन। 310 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेसिथिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 311, ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 311 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन कूल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 312, ये कह रहा है डीबैग डिजीज अकर्स इन डिफिशियंसी ऑफ। 312 का राइट आंसर कॉपर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 313, ये कह रहा है स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज ड्यू टू। तो 313 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर चेंज, हार्मोनल चेंज, टेम्परेचर चेंज। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 314, ये कह रहा है कि द एंटी ट्रांसपेरेंट इज। यानी कि 314 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीएम में एएम में एबीए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 315, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ करेंट व्यू द रोल ऑफ बोरान इन प्लांट्स इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ। यानी कि 315 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज एंड स्टार्च इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 316, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो 316 का राइट आंसर कार्बन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 317, ये कह रहा है स्टोमेटा कैन
आल्सो ओपन एट नाइट प्रेजेंट इन टू 317 का राइट आंसर 05 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 318 ए कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एलिमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि 318 का राइट आंसर मॉलिब्डेनम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 319 ये कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिस्टोमेटा इज ड्यू टू, तो 319 का राइट आंसर पोटेशियम आयन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 320 ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स ए स्टूडेंट इनफेयर्ड दैट दिस वॉज ड्यू टू ए डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, दिस इन्फेरेंस could be a correct only if we assume the allowing of leaves appeared first in, तो 320 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओल्ड लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 321 ये कह रहा है इंटरनल कॉर्क डिजीज इन एप्पल इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो 321 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बोरान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 322 ये कह रहा है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो 322 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 323 ये कह रहा है व्हेन स्टोमेटा क्लोज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर्स, तो 323 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्युमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 324 ये कह रहा है 324 के आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विच एग्जिबिट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्क्राइब एज नेसेसरी एविड, यानी कि 324 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 325 कह रहा है कि ऑफ ऑल द इन्वायरमेंटल ए फैक्टर विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो 325 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 326 ये कह रहा है इन द सेल वॉल ऑफ गॉड सेल सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड, यानी 326 का राइट आंसर क्या हो जाएगा रेडियली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 326 ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, 327 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 328 कह रहा है कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग इज ड्यू टू, तो 328 का राइट आंसर क्या हो जाएगा चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 329 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ड स्टार्च हाइड्रोलिसिस थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम, तो 329 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फोटोसिंथेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गार्ड सेल्स इज राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 330 ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ ट्रांसपीरेशन, 330 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 331 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट रिमोबलाइज्ड इन लीफ, यानी 331 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 332 ये कह रहा है इसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है, तो इसमें 332 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर इसमें भी जो है आपको मैच करना, तो 333 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ए का तीसरा हो जाएगा और ए का तीसरा बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा, तो डी का पाँचवा हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 334 ये कह रहा है नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ, 334 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन, ऑप्शन ए एंड सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 335 ये कह रहा है नेक्रोसिस इन लीव्स इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ,
335 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर एंड पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 336 से कह रहा है स्टोमेटल ओपनिंग इज अफेक्टेड बाय, तो 336 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन टेम्परेचर एंड लाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 337 ई कह रहा है द एक्युमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स रिजल्ट इन टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, 337 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोफिनॉल फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 338 है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, तो 338 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 339 कह रहा है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट्स इज, तो 339 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 340 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, 340 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ रेड पोटेशियम रीडली मोबिलाइजेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 341 एक कह रहा है डिफिशियंसी सिम्पटम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर विजिबल फर्स्ट इन, यानी कि 341 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंसेंट लीप इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 342 ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपीरेशन, यानी 342 का राइट आंसर क्या, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 343 ये कह रहा है द लोअर सरफेस ऑफ लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन, यानी कि 343 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉर्सी विंटर लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 344 ये कह रहा है व्हेन ए प्लांट अंडरगोज सेंसेंस ऑफ न्यूट्रिएंट में भी, यानी कि 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदड्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 345 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इसेंशियल एलिमेंट, 345 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 346 कह रहा है प्लांट कैन बी ग्रोन इन, यानी कि 346 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर और सॉइल विदाउट इसेंशियल न्यूट्रिएंट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 347 ये कह रहा है कि इसमें आपको मैच करना है, मैच 347 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी का मतलब ए का चौथा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा और डी का जो है दूसरा हो जाएगा और ई का पांचवा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 348 ए कह रहा है विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट्स, यानी कि 348 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 349 कह रहा है मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर प्लांट्स ग्रोथ इंक्लूड, यानी कि 349 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस पोटेशियम सल्फर कैल्शियम, यानी कि 349 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 350 का इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि 350 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन निकिल फॉस्फोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 351 कह रहा है विच इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप, यानी कि 351 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 352 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल एपर्चर, 352 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गॉट सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 353 ये कह रहा है स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, तो 353 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 354 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल्स, यानी कि 354 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉमुक्स क्वेश्चन नंबर 355 एक है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन ऑब्जर्व बाई
प्लांट्स। 3/5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फेरिक एंड फेरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर, ये भी मैच करना है, तो 3/5/6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/5/6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें जो है ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, डी का दूसरा हो जाएगा और इसका पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3/5/7। 3/5/7 कह रहा है, देखते हैं हम लोग, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड एन अर्ली मॉर्निंग इज। तो 3/5/7 का राइट आंसर क्या है, रूट प्रेशर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट बायो जोन। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो।